वेलकम टू मास मीडिया। मास मीडिया में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले सूर्यकांत नागरपल्ली साहब ने एक क्लेम किया था कि 100 बेड जो हॉस्पिटल ओल्ड सिटी में है उसके लिए सिफारिश, सारे कुछ काम उन्होंने किए। अब ये जब उन्होंने कहा तो हमने ये सवाल पूछा एमएलए रहीम खान साहब से कि ये क्लेम तो आप भी कर रहे हैं कि 100 बेड आपकी वजह से आया और सूर्यकांत नागरपल्ली साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं। आज हम ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमने दोनों को भी अप्रोच करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि सच में 100 बेड हॉस्पिटल को कौन लाया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्या सूर्यकांत नागरपल्ली साहब झूठ बोल रहे हैं, क्या एमएलए रहीम खान साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ये दावा किया कि उन लोगों के पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसको पेश करकर वो अपने सच्चे होने का सबूत देंगे। हमने बहुत कोशिश की कि एमएलए रहीम खान साहब के पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम ला पाए या फिर हम क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई कर पाए वो डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो सूर्यकांत नागरपल्ली साहब के पास है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सूर्यकांत नागरपल्ली साहब के डॉक्यूमेंट्स, दिए गए डॉक्यूमेंट्स है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को ये बताते हैं कि 100 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे नीडेड है और उनको उसका जवाब भी मिलता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम जब एमएलए रहीम खान साहब से रابطہ करने की कोशिश किए, उनके पीए और उनके दीगर अफराद से हम जब कोशिश किए तो हमें बस ये जवाब मिलता रहा कि आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट जरूर मिलेगा, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट हमें मुहैया नहीं कराया गया। तो ये कह सकते हैं फिलहाल अब तक तो कि जब एमएलए रहीम खान साहब ने आकर ये कहा था, जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कहा था कि वो डॉक्यूमेंट सारे मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे पीए आपको दे देंगे, तो दो दिन तक हम वेट करते रहे कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे तक आएंगे। हमने आज अप्रोच भी किया कि वो डॉक्यूमेंट्स आप हमें दे दें ताकि हम दोनों को साइड बाय साइड रखकर वेरीफाई कर सकें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो बड़ा अफसोस हमको हुआ कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम ये नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकते कि वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे क्योंकि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अभी प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन जनाब सूर्यकांत नागरपल्ली साहब ने वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ थे वो जरूर हमें दिए हैं जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। अभी हम आप पर छोड़ते हैं कि कौन सच्चा था, कौन झूठा है, किसका क्लेम सच है, किसका क्लेम झूठ है। इसी तरह से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन लाया, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल विधायक रहीम खान साहब ने खुद उठा दिया है क्योंकि वो खुद गए थे वहां पर और ये बताया कि ये कॉलेज मैं लाया हूं। तो हमने इसकी जांच पड़ताल की थोड़ी सी, तो हमें पता चला कि 29 फरवरी 2016 को विधायक रहीम खान ने शपथ ली, ओथ लिया और 16 मार्च 2016 को बजट में जो है ये इंक्लूड किया गया कि बिदर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 17 दिनों के अंदर क्या विधायक रहीम खान ने सच में ऐसा कोई लेटर दिया जिसकी वजह से बजट में ये इंक्लूड किया गया, हम ये देखना जरूर चाहेंगे। क्योंकि 17 दिन के अंदर आप ओथ लेते हैं और सडन आप जो है उस चीज को क्लेम करते हैं कि 17 दिन में जो बजट आया वो बजट में आपके द्वारा ही ये इंजीनियरिंग कॉलेज आया, तो इस पर भी जांच पड़ताल की जाएगी, इस पर भी हम आपसे लेटर मांगते हैं विधायक साहब के आपका क्लेम कितना है, कितना आप उसमें इन्वॉल्व थे या फिर आपने उस बजट में कौन सा ऐसा लेटर दिया या फिर आपकी असेंबली में ऐसी कौन सी स्पीच थी या क्वेश्चन था या फिर डिमांड थी, ये जरूर आवाम देखना चाहेगी। या फिर हॉस्पिटल के क्लेम की तरह ही आपके पास डॉक्यूमेंट बताने को तो है लेकिन आप बता नहीं रहे, डॉक्यूमेंट्स हम देखना जरूर चाहेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी, क्योंकि हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे, आप खुद जाकर वहां पर क्लेम कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। तो फिर हम आपसे सिर्फ इतने से अजबन गुजारिश कर रहे हैं कि वो पेपर्स भी आप बता दीजिए जिसमें आपने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि इसे बजट में इंक्लूड किया जाए, जबकि आप ओथ लेकर इलेक्ट होकर ही सिर्फ और सिर्फ 16 या 17 दिन हो रहे थे आपने ऐसा कौन सा पेपर दे दिया, तो हम जरूर देखना चाहेंगे। देखिए मास मीडिया मुखालिफ करना या हर चीज पे मुखालिफत करना
बिलीव नहीं करती, लेकिन जब एक क्लेम किया जाता है जिस तरह से सूर्यकांत नागरपल्ली साहब ने क्लेम किया था और रहीम खान साहब ने क्लेम किया था, तो हमने दोनों को भी पूछा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसके तर्ज पर आप ये कह रहे हैं कि 100 बेड आपने लाया है। तो हमें सूर्यकांत नागरपल्ली साहब की तरफ से रिस्पॉन्स मिल गया, लेकिन रहीम खान साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आखिर किसकी देना है, आखिर किसने रिक्वेस्ट की थी, आखिर किसने उसे लाया है बिल्डर पर, तो हम इस पर भी जांच पड़ताल करेंगे, इस पर भी हम डॉक्यूमेंट्स जरूर पूछेंगे कि 16 दिन के अंदर आप कैसे अलॉटेड इंजीनियरिंग कॉलेज को क्लेम कर रहे हैं। विधायक रहीम खान साहब से हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन रहेगा और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस, कई सारी तल्ख न्यूज और सच्ची न्यूज के लिए देखते रहिए मास मीडिया आपके पास।